गुगली एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। आज गांधी आर्ट दिल्ली में अग्निपथ संस्था की तरफ से 14वां सम्मान समारोह करवाया जा रहा है। इसमें देश के अलग अलग स्टेट से लोग अवार्ड लेने के लिए आए हुए हैं। देश की प्रसिद्ध शख्सियतें अवार्ड लेकर आज जाएंगी। सभी शख्सियतें जितनी भी जहां आई हुई हैं अपने अपने क्षेत्र में खास नाम रखती हैं और हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम की अलग अलग झलकियां। गायत्री जी, आज आपको शाने भारत अवार्ड मिला है अग्निपथ संस्था की तरफ से, कैसे लग रहा है? जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे शाने भारत के अवार्ड मिला है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे काम को रिकग्निशन मिला है और इतना बड़ा रिकग्निशन मिला है। तो मैं अग्निपथ को तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, लुथरा साहब को और एंटायर टीम ऑफ अग्निपथ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। धन्यवाद। अंजलि अग्रवाल जी को आज श्रोमणी अवार्ड मिला है, श्रोमणी कला अवार्ड, और पूछते हैं कि कैसे लग रहा है आज अग्निपथ की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है, कैसे लग रहा है? मुझे आज अग्निपथ ने कला शिरोमणि अवार्ड दिया है जिसे पाकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं काफ़ी सालों से कला के क्षेत्र से जुड़ी भी हूँ। मैं खुद तो आर्टिस्ट हूँ ही, साथ में मैं काफ़ी सारे बच्चों को और आर्टिस्ट को शिक्षा भी देती हूँ। करीब 20 सालों से मैं काफ़ी बच्चों को भी सिखा चुकी हूँ और ज़्यादातर मैं ऐसे बच्चों को शिक्षा देती हूँ जो या तो गरीब हैं या फिर थोड़े से डिफरेंटली एबल हैं। अभी भी मेरे पास दो बच्चे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते हैं, देव और अश्विन हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस अवार्ड को देखकर मुझे लगता है कि हाँ, कुछ मेरा काम सहारा जा रहा है, जिससे मुझे अच्छा लगा। और मैं लूथरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के ये अवार्ड दिया, ये सम्मान प्रदान किया। ऐसे ही वो कलाकारों को आगे भी सराहना करते रहें, इसी की आशा के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता चक्रवर्ती जी, इनको आज कला श्रोमणी अवार्ड जो है अग्निपथ संस्था की तरफ से दिया गया है, पूछते हैं कि कैसे लग रहा है आज? आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, थैंक यू सो मच लूथरा जी और सभी का। मैं एक कलाकार हूँ, सेल्फ टॉट हूँ और मैं क्लासेस भी लेती हूँ बच्चों के लिए एंड सोशल वर्क भी करती हूँ। तो उसमें मैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए ज़्यादा काम करती हूँ और जो गरीब लोग हैं खाने को, जो लॉकडाउन में था तो उसके लिए भी मैं खाना प्रोवाइड करवाती थी। तो कम से कम मैं 250 स्ट्रे एनिमल्स और 250 ही ह्यूमन बींग्स के लिए मैं काम करती थी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ देश के प्रसिद्ध चित्रकार संजय मौर्य जी साथ खड़े हुए हैं। इनको आज कला श्रोमणी अवार्ड मिला है अग्निपथ संस्था की तरफ से। संजय मौर्य जी, कैसे लग रहा है? बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अग्निपथ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज कला शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे ये आप लोग जो कला एक श्रेष्ठ कलाकार कह रहे हैं, मैं खुद कलाकार होने के अलावा दूसरे कलाकारों को मदद करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक कलाकार या साहित्यकार या ऐसे जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहता है और उनको नए कलाकारों को अपने आप को प्रमोट करना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने खुद को अपने जीवन को ऐसे कलाकारों के उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित किया हुआ है। मैं उनके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता हूँ, उन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करता हूँ, उन्हें अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करना या नेशनली या इंटरनेशनली पब्लिश कराने में मैं बहुत कार्यरत हूँ। और देश का कोई भी, देश विदेश का कोई भी कलाकार, छोटा या बड़ा, मुझसे किसी भी समय निसंकोच बात कर सकता है, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहता है तो मुझसे, हमारे ग्रुप से जुड़ सकता है और हम उससे निस्वार्थ भाव से पूरी की पूरी मदद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। महेंद्र कुमार लुथरा जी, बात करते हैं कि लुथरा साहब कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा जी। दिल समाज से जुड़े वो लोग इसमें आए जो टैलेंटेड हैं,
लेकिन उनको कभी प्लेटफार्म नहीं मिला, उनको पहचान नहीं हुई, समाज से लड़ते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग शख्सियतें, सुपर शख्सियतें आज जहां पहुंची हुई हैं, उनमें से कुछ शख्सियतों के नाम जो है वो जरूर। हाँ, इसमें जैसे उड़ीसा से आई थी गायत्री मगुरु, ये राइटर भी हैं, पेंटर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, मिस उड़ीसा भी रही हैं, तो मल्टी टैलेंटेड है। असम से थी मीनाक्षी, वो भी थी, और आप हैरान होंगे दुबई से साइमा हसन, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। डोहा से श्रेया सूरज, वो भी थी,